तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ROG Phone 5V3 का जो कंसोल है यानी मीटर के अंदर क्या क्या फीचर्स है, सारे फीचर्स एक एक करके आप लोगों को कवर करूंगा। तो अगर आपको जानना है ROG Phone 5V3 का जो मीटर कंसोल है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर आप नया लेने के लिए सोच रहे हो तो क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है, तो आज के इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मीटर के अंदर क्या क्या आप लोगों को फीचर्स मिलता है। तो दोस्तों, ये है ROG Phone का मीटर कंसोल। तो दोस्तों, सबसे पहले मीटर जैसे ही ऑन करोगे, इसके ऑन करते ही आपको एक फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप चाबी ऑन करोगे, यहाँ पे हाई बॉडी लिखा रहेगा, तो इस बॉडी को कस्टमाइज़ करके आप अपना नाम भी डाल सकते हो। ये है सबसे पहला नंबर फीचर्स है। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बार देखा तो जैसे ही आप चाबी को ऑफ़ करोगे, यहाँ पे CU लिखा आएगा। तो यही बहुत ही अच्छा फीचर्स है। पहला वाला जो हाई बॉडी है वो कस्टमाइज़ करके आप अपना नाम डाल सकते हो, और CU कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो। ये तो हो गया फीचर्स। अभी बात करते हैं अंदर में क्या क्या फीचर्स है। अगर आप अपना नाम डालना चाहते हो तो मेरा चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया कर दिया है, तो जाके देख सकते हो कैसे आप अपना नाम कस्टमाइज़ कर सकते हो हाई बॉडी को एडिट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले ओडोमीटर, जो आप रिसेट नहीं कर सकते हो, आज तक बाइक कितना किलोमीटर चला है इसका डिटेल्स आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे गियर इंडिकेटर मिलेगा। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गियर इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर है, जो कितना स्पीड में चल रहा है, और यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, और ये है दोस्तों RPM लाइनिंग है। यहाँ पे देख सकते हो 13,000 RPM तक है। यहाँ पे RPM लाइन, उसके बाद गियर, उसके बाद यहाँ पे ऑडोमीटर, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मैं आगे दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर है, कितना स्पीड में चल रहा है गाड़ी ये। और दोस्तों, यहाँ पे और एक फीचर्स है, यहाँ पे इनविजिबल है, अभी BBA लिखा रहता है। जैसे 7500 RPM क्रॉस करेगा तभी ये विजिबल होगा, यहाँ पे BBA एक्टिवेट होने के बाद ही आपको नज़र आएगा। तो ये है फीचर्स। यहाँ पे ABS का इंडिकेटर है, यहाँ पे दोस्तों इंडिकेटर का, और हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर है, यहाँ पे न्यूट्रल का, यहाँ पे आपका इंजन का जो सिंबल है, इंजन हीटिंग वगैरह का, इसका सिंबल इस तरफ है। तो अभी अंदर में क्या क्या और देखने को मिलता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एक बटन है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, यानी जैसे ही प्रेस करोगे, यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2, वो चीज़ हर बाइक पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे प्रेस करोगे, यहाँ पे टाइम, दोस्तों यह टाइम बहुत ही एक्यूरेट रहता है दोस्तों। एक बार आप अपना जो टाइम है वो सही कर लोगे, सही करने के बाद यह टाइम नहीं हिलेगा दोस्तों, यहाँ पे टाइम सेट रहेगा, वो एक्यूरेट दिखाता है, वो अच्छा फीचर से। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कितना किलोमीटर पर लीटर में चला है नज़र आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एवरेज पर लीटर कितना दे रहा है, एवरेज किलोमीटर कितना किलोमीटर चल रहा है एवरेज, यहाँ पे 51.2 किलोमीटर चल रहा है पर लीटर। उसके बाद यहाँ पे एवरेज कितना स्पीड में चल रहा है आपका गाड़ी, यहाँ पे देख सकते हो। तो यही फीचर्स है। और एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे जो एवरेज पर लीटर दिखा रहा है, इसको आप जैसे ही सिलेक्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे, यहाँ पे और एक ऑप्शन आ जाएगा, एक लीटर में कितना किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 100 किलोमीटर कितना लीटर में चल रहा है वो आपको इंडिकेट करेगा। यहाँ पे एवरेज लीटर 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर चलेगा कितना लीटर में, 1.9 लीटर पे आपको 100 किलोमीटर आप चल सकते हो अभी, यहाँ पे एवरेज। उसके बाद फिर से प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये आप कुछ इन्फॉर्मेशन है देख सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे एक आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाएगा, RPM इंडिकेटर लाइट, वो भी सेट कर सकते हो। इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का ब्राइटनेस लो हाई वो भी कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और इसका जो RPM, जैसे यहाँ पे देख सकते हो RPM, जैसे RPM पे हाई RPM पे जाएगा आपका साइकिल, उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिकेट लाइटिंग मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे RPM क्रॉस करेगा लाइट जलेगा, यहाँ पे देख सकते हो लाइट जल रहा है। तो हाई, यहाँ पे जो हाई RPM जहाँ पे सेट किया हुआ है कंपनी से, आप RPM कहाँ पे आने के बाद यह लाइट जलना है यह भी सेट कर सकते हो दोस्तों। यह डिफ़ॉल्ट है कंपनी के तरफ से, जहाँ पे सेट किया गया है, यहाँ पे
11,000 RPM पे होगा शायद, यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिक ये लाइट चलेगा। तो वो भी आप अपना हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं अगला वीडियो में बताऊंगा क्या क्या एडिट कर सकते हो इस बाइक पर मीटर के अंदर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ मिसिंग रह गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।